नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 4 मार्च। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। कृषि फीडर के इच्छुक किसानों को आने वाले सालों में मिलेगी बिजली। इन दिनों विधानसभा में बजट सत्र पर चर्चा हो रही है। इस दौरान बीते दिन विधान परिषद में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने अहम जानकारी दी है और बताया है कि मई 2022 तक पूरे राज्य में इच्छुक किसानों को कृषि फीडर से बिजली कनेक्शन देने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मार्च 2021 तक सभी को शुद्ध पानी पहुंचाने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि हर घर नल का जल योजना के तहत आर्सेनिक प्रभावित कुल 4,742 वार्डों में और फ्लोराइड प्रभावित कुल 3,719 वार्डों में से 3,689 वार्डों में जलापूर्ति योजना का काम पूरा किया गया है। असम कृषि विभाग ने निकाली रिक्तियां। असम कृषि विभाग ने कृषि विस्तार सहायक, कनिष्ठ सहायक मुख्यालय, कनिष्ठ सहायक जिला स्तर, आशु लिपिक, स्टेनोटाइपिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, पीआई, एफआई, एफएस, कंप्यूटर मैकेनिक ग्रेड 4 पद के लिए कुल मिलाकर 1837 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास कक्षा 8वीं, 12वीं या स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 13 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट diragri.assam.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अरवल जिले के पंचतीर्थ धाम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और हर दिन हम आपको बिहार के पर्यटन स्थल के बारे में बताते हैं। इसी कड़ी में अब बात करते हैं पंचतीर्थ धाम की। पंचतीर्थ धाम का पुराना धार्मिक महत्व है। बापू पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथ में इसका जिक्र है। माना जाता है कि यहां स्थापित शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने अपने हाथों से की थी। यहां पर एक सूर्य मंदिर भी है जिसकी स्थापना 1977 में की गई। इस धाम पर खासकर चैत और कार्तिक छठ व्रत के दौरान हजारों श्रद्धालु पूरी तन्मयता से सूर्य की उपासना करते हैं। 5 मार्च से बिहार के इन पैसेंजर ट्रेनों का शुरू होगा परिचालन। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 5 मार्च से बिहार के कई पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने वाला है, जिसके तहत ट्रेन संख्या 05219, 05220 दरभंगा हरनगर दरभंगा, 05207, 08 दरभंगा रक्सौल दरभंगा, 05209, 05210 रक्सौल नरकटियागंज रक्सौल, 05213, 05214 रक्सौल सीतामढ़ी रक्सौल, 05224, 05223 सहरसा पूर्णिया सहरसा, 05225, 05226 सहरसा पूर्णिया सहरसा, 05230, 05229 सहरसा बरहरा कोठी सहरसा, 05237 और 38 बरहरा कोठी बनमनखी बरहरा कोठी, 05240 और 05239 सहरसा पूर्णिया सहरसा ट्रेन का परिचालन होने वाला है। बिहार में 2026 तक पंचायत पे नहीं बदलेगी आरक्षण नीति। बिहार की पंचायतों के आरक्षण को लेकर हाल ही में बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत साल 2026 तक कोई बदलाव नहीं किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्य में पंचायत चुनाव का आयोजन होने वाला है, जिसके बाद अब जिस पंचायत में जैसा भी आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है उसे वैसा ही रहने दिया जाएगा। इसका साफ मतलब है कि जहां पर भी जिस भी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है उस सीट के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही नए नगर निकायों के गठन की चर्चा भी हो रही है। नए नगर निकायों के गठन के बाद लगभग 300 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जबकि 200 पंचायतों का पुनर्गठन करने की जरूरत पर ध्यान दिया जाएगा। बिहार में अब आप भी आसानी से खोल सकते हैं ड्राइविंग स्कूल। अगर आप भी ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहते हैं तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप भी कहीं भी बिहार में आसानी से ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोल सकते हैं। इसके लिए आपको सरकारी मदद भी मुहैया करवाई जाएगी, जिसके तहत अब राज्य के सभी जिलों में पीपीपी मोड से आधुनिक सुविधाओं से युक्त तकनीक आधारित ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की पहल की गई है। इसको लेकर सड़क सुरक्षा निधि से 20 लाख रुपए अनुदान भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए भी कई कार्य और इंतजाम किए जा रहे हैं। चालकों की ट्रेनिंग, वाहन जांच, वाहन निरीक्षण आदि के लिए भी संस्थानों का निर्माण करवाया जा रहा है। बीपीएससी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन हुए आमंत्रित। बिहार लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के पद पर आवेदन की मांग की है, जिसके तहत कुल मिलाकर 55 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत अब जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वो बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे उम्मीदवार जिनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री मौजूद है वो भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन पदों को भरने के लिए ही आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है।
बिहार में सरकारी कर्मियों को अब विदेश यात्रा से पहले देनी होगी अहम जानकारी। अब राज्य सरकार के सभी स्तर के अधिकारी से लेकर कर्मी को किसी विदेश यात्रा पर जाने से पहले सरकार को विस्तार से जानकारी मुहैया करवानी होगी। खासकर कि ऐसे अधिकारियों को यह जरूर से बताना होगा कि उनकी विदेश यात्रा पर कितने रुपए खर्च हुए हैं और खर्च होने वाले इन रुपयों का स्रोत क्या है, जिसके तहत सरकारी कर्मियों को इस बात की जानकारी देनी होगी कि किस स्रोत से रुपए उनके पास आए हैं जिनका उपयोग वो अपने विदेश यात्रा के लिए करने जा रहे हैं। यह नियम सिर्फ उन्हीं विदेशी यात्रियों पर लागू होगा जिन कर्मियों को अपने खर्च या निजी प्रायोजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार के सभी जिलों में कामकाजी महिलाओं को रहने के लिए नहीं होना होगा परेशान। बिहार में अक्सर महिलाओं को काम के लिए दूसरे जिलों में जाकर रहना पड़ता है। हालांकि महिलाओं को अलग रहने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अब बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब सभी कामकाजी महिलाओं के लिए बिहार के हर जिले में हॉस्टल का निर्माण करवाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि यह सभी छात्रावास सरकारी होंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से बिहार के सभी जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे। मिठाई के क्षेत्र में पूर्वी भारत का अगुआ बन सकता है बिहार। बिहार के नालंदा का सिलाव खाजा हो या बक्सर की पापड़ी या फिर गया का तिलकुट, बिहार के हर क्षेत्र में मशहूर मिठाइयां हैं। मिठाई और नमकीन उद्योग के विकास के लिए जिन चीजों की जरूरत है सभी के मामले में बिहार धनी है। फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स के निदेशक फिरोज एच नकवी का कहना है कि यहां बेसन, आलू, आटा, तेल, दूध, खोया, मसाला, शक्कर, गुड़ की कोई कमी नहीं है। मिठाई उद्योग के यहां फलने फूलने की क्षमता है। फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स के निदेशक की माने तो अगर सरकार इस उद्योग के लिए विशेष स्कीम ला दे तो बिहार पूर्वी भारत का अगुआ बन सकता है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में मंत्रियों की लगाई क्लास। बीते 9 दिनों से विधानसभा में बजट सत्र की पेशकश की जा रही है, जहां हर दिन पक्ष और विपक्ष के बीच सवाल जवाब और नोकझोंक की स्थिति देखने को मिलती है। इसी क्रम में बीते दिन भी कुछ ऐसा ही माहौल था। हालांकि बीते दिन विधानसभा अध्यक्ष अलग रूप में नजर आए, जिसके बाद ही जब राजद सदस्य भाई वीरेंद्र जैसे सवाल का जवाब देकर अपनी सीट पर जमे तो विधानसभा अध्यक्ष ने पूछा कि मंत्री जी, आप सवालों का जवाब ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराते हैं क्या? इसके बाद मंत्री जी को अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि आगे से सवालों का जवाब ऑनलाइन उपलब्ध करवाइए। इसी तरह एक और विभाग के मंत्री को भी ऑनलाइन जवाब उपलब्ध नहीं करवाने को लेकर अध्यक्ष ने उन्हें भी हड़काया। गंगा किनारे के टोपो लैंड के सर्वेक्षण के लिए समिति का हुआ गठन। राज्य सरकार ने गंगा किनारे के अनसर्वेड टोपो लैंड के सर्वेक्षण के लिए एक उच्चाधिकारी समिति का गठन कर दिया है। राज्य सरकार ने गंगा किनारे के अनसर्वेड टोपोलैंड के सर्वेक्षण के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन कर दिया है, जिसके बाद अब इस समिति की ही जिम्मेदारी होगी कि प्रदेश में गंगा के किनारे 450 किलोमीटर तक की जमीन का असल मालिकाना हक आखिर किसका है। इसके साथ ही अब समिति यह तय करेगी कि नदी किनारे की जमीन की वैधानिक स्थिति आखिर क्या है। विधान परिषद में इस आशय की जानकारी मंत्री रामसूरत राय ने हाल ही में दी है। मंत्री रामसूरत राय ने दो टूक बातों में भी कहा है कि सरकार ने टोपोलैंड की रसीद काटने पर पाबंदी सोच समझकर लगाई है। बिजली बिल की वसूली करने अब कंपनी पहुंचेगी आपके घर। अब बिजली बिल का बकाया रखने वालों को कंपनी किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं नजर आ रही है, जिसके तहत अब बिजली बिल नहीं देने वालों से बिल वसूली के लिए कंपनी बकायेदारों के घर जाने वाली है। लोगों पर कार्रवाई के बदले कंपनी का लक्ष्य है कि वो अधिक से अधिक बिल की वसूली कर ले। इसके लिए कंपनी ने एजेंसीज को लक्ष्य दे दिया है। कंपनी की अब यह कोशिश है कि वो बिजली बिल वसूल कर नुकसान कम करे, ताकि लोगों को निर्बाध बिजली देने में कोई परेशानी उत्पन्न न हो। आपको बता दें कि कोरोना के समय में बिजली औसत काफी घट गया था। कोरोना के कारण ही पहले जो लोग बिजली का भुगतान करते थे अब नहीं कर रहे हैं। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन अवधि के दौरान आमतौर पर 800 और 900 करोड़ की वसूली करने वाली कंपनी को बमुश्किल 300 से 400 करोड़ की वसूली हो रही थी। गया दिल्ली विमान सेवा की 28 मार्च से होगी शुरुआत। कोरोना के कारण बंद पड़ी एयर इंडिया की दिल्ली गया वाराणसी विमान सेवा की शुरुआत 28 मार्च से होने वाली है। हालांकि पहले यह सेवा हर दिन थी, पर अब यह हफ्ते में 4 दिन के लिए ही रखी गई है। एयर इंडिया के स्टेशन मैनेजर ने इसकी सूचना एयरपोर्ट डायरेक्टर को दे दी है। इसमें कहा गया है कि एयर इंडिया का विमान संख्या AI-433 सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को दिल्ली से गया और गया से वाया वाराणसी दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। यह शेड्यूल 28 मार्च से 30 अक्टूबर तक के लिए जारी की गई है। खबरों की माने तो विमान दिल्ली से 12:10 पर उड़ान भरेगी, जो 1:40 पर गया पहुंचेगा।
बिहार सरकार किसानों को गर्मा मूंग और ढेंचा की खेती पर देगी अनुदान। बिहार में गेहूं की कटनी के बाद से खाली पड़े खेतों में गर्मा मूंग और ढेंचा अब लहलहाएगा। इसको लेकर कृषि विभाग ने भी कवायद शुरू कर दी है। जानकारों की माने तो कृषि विभाग ने इस बाबत किसानों को गर्मा मूंग और ढेंचा का बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाने की बात कही है। इतना ही नहीं, अब किसानों को विभाग खेती करने के लिए भी सही तरीके को समझाने वाली है। जानकारों की माने तो किसानों को प्रशिक्षण देने के पहले किसान सलाहकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण लेने के बाद किसान सलाहकार अपने अपने क्षेत्र में मूंग और ढेंचा की खेती करने वाले किसानों को प्रशिक्षण देंगे। महंगाई पर मुकेश सहनी ने दिया अपना बयान। बिहार सरकार के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने बढ़ती महंगाई को लेकर कहा है कि 2,000 रुपए महीना कमाने वाले लोग आज 2,00,000 रुपए कमा रहे हैं, तो अगर लोगों की कमाई में बढ़ोतरी हुई है तो महंगाई भी तो जरूर ही बढ़ेगी। हालांकि सरकार महंगाई के मुद्दे पर सोच विचार कर रही है, सरकार इस मुद्दे पर काफी गंभीर है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर भी अपना बयान जारी किया है और कहा है कि बिहार में अपराध को लेकर सरकार काम कर रही है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बिहार में बढ़ते अपराध को रोका जा सके। जमीन विवाद निपटारे में अब ग्राम चौकीदारों की ली जाएगी मदद। बिहार में भूमि विवाद कानून व्यवस्था को खराब करने का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने समय समय पर अहम दिशा निर्देश जारी करने की बात कही है, जिसके तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब अपना निर्णय सुना दिया है, जिसके तहत विभाग ने यह साफ कर दिया है कि भूमि विवाद निपटारे में ग्राम चौकीदारों की भी सहभागिता ली जाने वाली है, जिसके तहत अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद पर साझा बैठक करके सुनवाई करने वाले हैं। इसके साथ ही विभाग के पोर्टल पर साप्ताहिक अपडेट भी दिए जाएंगे। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने वैक्सीन को लेकर दिया अपना बयान। जहां एक तरफ पूरे देश में वैक्सीन देने की प्रक्रिया जारी है, वहीं वैक्सीन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में अब कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने वैक्सीन लेने के सवाल के जवाब में कहा कि वे वैक्सीन जरूर लेंगे, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि थर्ड ट्रायल के बिना ही वैक्सीन को लॉन्च कर दिया गया है। वहीं बंगाल चुनाव पर अब उनसे बात की गई तो उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बंगाल में 8 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार सुनिश्चित है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। नई दिल्ली में सन 1951 में पहली एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। हिंद के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर मदन लाल मधु को 2008 में प्रतिष्ठित सम्मान मीडिया यूनियन ने सर्वानक्षर पुरस्कार से सम्मानित किया। राजस्थान के पोखरण में 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया गया। हिंदी के लोकप्रिय साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का 1921 में जन्म हुआ। 1922 में प्रसिद्ध गुजराती रंगमंच और फिल्म अभिनेत्री दीना पाठक का जन्म आज के दिन हुआ। सुरक्षा दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। पटना में 13 और 14 मार्च को होगी रालोसपा की बैठक। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने बीते दिन अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पटना स्थित पार्टी कार्यालय में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने केक काटकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को खूब सारी बधाई दी। साथ ही पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने आगामी 13 से 14 मार्च तक पटना में राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, जिसमें अब पार्टी आगे की रणनीति तय करने वाली है। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने वैक्सीन को लेकर भी अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वैक्सीन कोरोना से बचाव के लिए जरूरी, इस पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसको लेकर सभी लोग सकारात्मक रुख अख्तियार करें। मंगल पांडे ने वैक्सीन को लेकर एक बार फिर कही अहम बात। कोरोना वैक्सीन पर शुरू हुई राजनीति को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोरोना के टीके को वैज्ञानिकों ने बनाया है। भारत में बन रहे दोनों टीके को, यानी कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड पर पूरी दुनिया को विश्वास है। दुनिया के कई देश भारत से टीका मांग रहे हैं ताकि वे अपने यहां टीकाकरण कर सके। जिन टीकों पर पूरी दुनिया को विश्वास है, उस पर विपक्ष के साथियों को भरोसा नहीं है। विपक्ष टीका पर सिर्फ राजनीति कर रही है। विपक्ष में बैठे लोग कोरोना टीका को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति उन्हें नहीं करनी चाहिए। अब फास्टैग से कई काम हो जाएंगे आसान। अब फास्टैग से पेट्रोल डीजल और सीएनजी भरवाने के साथ साथ पार्किंग का काम भी आसान हो गया है। केंद्र सरकार वाहनों में लगने वाले फास्टैग का मल्टीपर्पज इस्तेमाल करने की दिशा में काम कर रही है। तकनीकी अड़चनों को दूर करने के बाद करोड़ों वाहन चालक फास्टैग की मदद से पेट्रोल डीजल सीएनजी भरवा सकेंगे, बल्कि इसे पार्किंग की सुविधा भी ले सकेंगे। कोरोना काल में फास्टैग की मदद से 2 गज की दूरी का पालन किया जा सकेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि पिछले साल टोल टैक्स वसूली में 2 गज की दूरी में फास्टैग कारगर साबित हुआ है। इससे टोल प्लाजा कर्मी और चालक बगैर संपर्क में आए टैक्स भुगतान कर सकेंगे।
आज होने वाले मैच में इन चार लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं कप्तान कोहली। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से चौथे और आखिरी टेस्ट मैच की शुरुआत होने वाली है, जिसके बाद आज का यह मैच दोनों ही टीम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वहीं आज खेले जाने वाले इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के चार बड़े माइलस्टोन्स हासिल करने का उन्हें मौका मिल सकता है, जिसके तहत विराट कोहली की तरफ से सबसे ज्यादा टेस्ट मैच में कप्तानी करने के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। इसके अलावा कप्तान के तौर पर 12,000 इंटरनेशनल रन बनाने के भी वो बहुत करीब है। इसके साथ ही कप्तानी के एक खास रिकॉर्ड के मामले में विराट कोहली वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड को भी पीछे छोड़ सकते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 3 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,370 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,370 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,900 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 93.52 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 86.10 रुपए प्रति लीटर था। बॉलीवुड के नामचीन सितारों के घर पहुंची आयकर विभाग। बॉलीवुड के गलियारे में इन दिनों कई तरह की चर्चाएं सुनने में आ रही है। कभी एनसीबी तो कभी आयकर विभाग इन सेलिब्रिटीज के घर छापेमारी करने पहुंच रही है। ऐसे में ही एक वाकया हाल ही में देखने को मिला है, जब डायरेक्टर अनुराग कश्यप, विकास बहल, मधु मंटेना और एक्ट्रेस तापसी पन्नू के घर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। खबरों की माने तो मुंबई में कई जगहों पर आयकर विभाग की टीम ने एक साथ छापेमारी की है। खबरों की माने तो ये भी कहा गया है कि यह छापेमारी फैंटम फिल्म्स में टैक्स चोरी से संबंधित है। मधु मंटेना टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के दफ्तर पर भी आयकर अधिकारी पहुंचे हैं, जहां तलाशी की जा रही है। हालांकि अभी तक मामले में और भी नाम आने की चर्चा हो रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है असलम राज, शहीद अली शाह, हबीबुर रहमान, शंकर मुखिया, संदीप कुमार, राजू कुमार, अंसार आलम, साहिर राज, राहुल कुमार, मृत्युंजय कुमार, अविनाश कुमार, रविन्द्र पासवान, केदार कुमार, विकास कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार, आपके अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बिहार के कई वरिष्ठ नेताओं के वैक्सीन लेने के बाद आम नागरिक वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित होंगे या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।